नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, लाडो लाडली, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमांडो केज में। दोस्तों, आप सबने एक नोटिस देखा होगा जिसके ऊपर काफी वीडियो बन चुके हैं अब तक। आप सबने देख लिया होगा, वीडियो भी देख लिए होंगे। वो जो नोटिस है वो है ये, स्पेशली ये जो नोटिस है इसमें ये बोला गया है कि अब आगे के जो अब तक आपके ऑनलाइन के जो एग्जाम हो रहे थे वो TCS, जो ऑनलाइन एग्जाम लेने वाली कंपनी थी ना उसका नाम था TCS, लेकिन अब जो एग्जाम होंगे उसके लिए नया प्रपोजल की जा रही है। उसमें एक इंस्ट्रक्शन दिया गया कि विशेष तौर से उसमें यह बोला गया कि जो भी कंपनी अब जो कॉन्ट्रैक्ट लेगी वो पिछले सत्रों में आए हुए पेपर, यानी जो आपकी पुरानी बुकों में से या पुराने पैटर्न में से अब तक कोई भी एग्जाम कैसे 50%, लेकिन इस बार सीधा इंस्ट्रक्शन दिया गया, इसमें अगर आप इसको पूरी जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से कि अब जो पेपर आएगा आपके सामने उसमें पुराने आए हुए क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्या सिलेबस भी चेंज हो जाएगा, पेपर का पैटर्न भी चेंज हो जाएगा, इसको लेकर भी अब काफी डाउट। सर, आपने कई वीडियो इसके बारे में देखे होंगे। मैं आपको बता दूं, ये कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट चेंज किया गया है, सिलेबस चेंज नहीं किया गया है और ना ही पेपर की जो शैली है उसको चेंज किया गया है। जो चेंज की गई है बात, वो ये की गई है कि पहले जो पुराना पैटर्न चलता आ रहा है 10 साल से 12 साल से, अब उस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये इसमें साफ लिखा हुआ है कि कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। अब लाडलो ध्यान रखना, यानी जो पुराने पेपरों के आधारित आप जो पढ़ रहे हैं ना, अब उनको पीछे आप छोड़ देना, ठीक है। इसीलिए नए सिलेबस पर आधारित हमने SSC GD की नई बुक, यानी अभी तुरंत पेपरों पर आधारित हर एक सब्जेक्ट की बुक लॉन्च कर दी है। फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल भी है, आप वहां से के ले सकते हैं और इन बुक से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप किसी ओल्ड पेपर से SSC की से तैयारी कर रहे हैं तो आपको वो बुकें अब रिप्लेस कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने अगर आप कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने आपको दिखाया ना, थोड़ा सा आप उसको पूरा डिटेल देना, उसमें साफ साफ ये इंस्ट्रक्शन है। तो इसलिए मैं बहुत दिन से कह रहा था कि अपडेटेड बुक पढ़नी आपको, पुरानी बुकें नहीं पढ़नी। वो इसलिए नहीं कह रहा कि भाई हमारी बुक ही लो, आप किसी और की भी ले लो, लेकिन इसी साल की होनी चाहिए, जिसमें जैसे अभी हमने जो भी बुकें जितनी भी है पर किए, लेकिन इसमें 2023 के ही ओल्ड पेपर ऐड किए गए, इससे पहले के कोई भी ओल्ड पेपर नहीं ऐड किए गए, ये नहीं किए गए कि पुराने क्वेश्चन अब रिपीट होने नहीं है। 2020 से पहले के कोई भी क्वेश्चन है तो वो रिपीट नहीं होगा। ये पूरी की पूरी नए ओरिजिनल पैटर्न पर आधारित बुक्स है और ये आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन पर अवेलेबल भी है, आप वहां से ले भी सकते हैं। और हाँ, सिलेबस चेंज नहीं किया सकता, ना ही पेपर का कुछ और चीजें चेंज की जाएगी, शैली जरूर थोड़े से क्वेश्चनों के जो है ना वो जरूर आपको इस बार डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, नए क्वेश्चन मिलेंगे, पहले की तरह रिपीटेड चीजें नहीं मिलेगी। अब मैथ और रीजनिंग में तो ज्यादा चेंज होते नहीं है, जीके में थोड़ी सी अब आपको और एक्स्ट्रा जीके पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि भाई लाभ हानि के क्वेश्चन में संख्या चेंज हो सकती है, क्वेश्चन का पैटर्न कैसे चेंज होगा। लेकिन हाँ, कुछ चीजें ऊपर नीचे होगी, स्पेशली हिंदी के लिए मैं आपको बात बताना चाहूंगा। अक्सर मैं बोलता हूँ कि आपको हिंदी में वोके याद करनी है, लेकिन आपको हिंदी पूरी ग्रामर पढ़नी है, यानी टोटल पढ़नी है हिंदी भी। क्यों? नई कंपनी है, कहां से क्वेश्चन निकालेगी वो उनको ही पता है, ठीक है। इसलिए पूरी तैयारी करनी है लाडलू। जय हिंद, जय भारत।